बच्चों प्लीज। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर, दोनों चीज अच्छे से हो रही, तो जल्दी जल्दी यस लिख दो, जल्दी जल्दी यस लिख दो। ओके सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इसमें से हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि नंबर लाइन पर हम कैसे रैशनल नंबर को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उससे तो एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किसी भी रैशनल नंबर के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। चलो तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि नंबर, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। ये हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है, सपोज करो 5/2 है, मुझे इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल हमने देखा था, आप क्या करो इसे डेसिमल में लिख लो, डेसिमल में लिखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 2 2 4 होगा, माइनस से 1 आ गया, 0.5 लगा दिया, ठीक है, तो 10 आ गया, 2.5 आया। अब 2.5 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कौन से तो नंबर के बीच में आपका 2.5 आएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगी, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सिंपल सी एक नंबर लाइन को मार्क कर लेते हैं हम, है ना, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब मैंने देखा 2 और 3 के बीच में और पॉजिटिव है, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आपका आएगा 5/2, और यहीं पे बेटा मैं माइनस का नंबर ले लेती, मान लो -5/2 होता तो वो कौन से पे आता, -2 और -3 के बीच में -5/2। क्या मेरी बात समझ आई है, ये रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाते हैं, जल्दी से बताओ सबको समझ आया है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में बहुत डीपली इसको अच्छे से पढ़ा था, है ना। हाँ सो ये तो हो गया बेटा, नॉर्मली हम किसी को नंबर लाइन को कैसे, नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम दिखाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 2/7, ठीक है, 2/7। अब इसको अगर मुझे नहीं, 3/5, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे मान लो नंबर लाइन पे दिखाना है, आपको पता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, एक तो सेम वही है कि इसको डेसिमल में लिखो, वैसे ही करना है नॉर्मली, तो डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 तो कभी नहीं आएगा, पीछे लगाएंगे 0 तो हां से आपके पास कितने जाएगा, 5 6 0.6 आ गया, यानी कि 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो एक तो आप क्या कहोगे, मैम नंबर लाइन हम ऐसे बना लेते हैं और 0 और 1 के बीच में इसको शो कर देते हैं, मैंने कहा ठीक है आपने कर दीजिए ये, ओके। तो आपने यहाँ पर बता दिया 0 और 1 के बीच में 3/5 आएगा। अब समटाइम क्या होता है कि वो ना 0 और 1 के बीच में भी जाके हमें ऑप्शंस में ऐसा दिया होता है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कई बार आपको 0 और 1 के बीच में उतने पोर्शंस करने पड़ेंगे, मतलब 5 पोर्शंस की बात कर रहा है ना, तो मैं 1 2 3 4 भाग बना दिया, उसी से तो 5 बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, राइट, 5 में से कितनों की हम बात कर रहे हैं, 3 की ना, तो 1 भाग 2 भाग 3, जहां 3 खत्म हो रहा है वहीं पे हो गया 3/5। बेसिकली बेटा हमने 2 0 और 1 के और बीच में चले गए और उनमें पार्ट करके बता दिया, ये आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं। सुभाष चंद्र की आईडी से, सुभाष की आईडी से बेटा, वेरी गुड। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, या इसमें किसी को डाउट है, पहले मुझे ये बता दो ताकि बच्चे हम एक क्वेश्चन पोल में ले सके, अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सभी को, ओके गुड गुड गुड।
चलो फिर, ओके चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। आपकी स्क्रीन के ऊपर है 3/2, 3/2 है, ठीक है। इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उससे तो कोई होगा नहीं, ठीक है। यस चलो, आप पहले कॉपी में बना लेना फिर ऑप्शन में ढूंढना, ठीक है। 3/2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो पहले डेसिमल में लिखो, उसके बाद देखो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। बेटा 3/2 है, 3/2 है। मैम हो गया। वेरी गुड, इस चीज को भी ध्यान रखो, इट्स अ इम्प्रॉपर नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप 0 और 1 के बीच में लिखते हो, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस करो सभी बच्चे, करना, सबका आंसर चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पहले कॉपी में बना लो और उसके बाद ऑप्शंस में देखो कि आपका कौन सा मैच कर रहा है, फिर पोल में जाके आंसर करो। कर रहे हैं। हाँ जी बेटा करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, फिर पोल में कर दो। थ्री बाय टू है, 3/2 है बच्चों, उसको डेसिमल में लिखो पहले और फिर देखो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, फिर वो ऑप्शन में ढूंढो कौन से दो नंबर के बीच में वो है या नहीं ऑप्शन में। वेरी गुड, बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। 3/2 है, सोचो थोड़ा, आप वो भी लगाओ ना थोड़ा सा लॉजिक भी। 3/2 आपका कितना बनेगा, कौन से दो नंबर के बीच में आ सकता है, राइट। थ्री बाय टू, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आराम से, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, है ना। चलो अभी भी मेरे कई सारे बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं कीप इट अप, करिए पहले कॉपी में फिर पोल में, सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। कर दिया जी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम बेटा नाम चेंज होना चाहिए आपकी आईडी का, ठीक है। ओके चलो 5 सेकंड और दे रही, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करो, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपके पास था 3/2, है ना। तो मैं अगर इसका पहले मैं यहाँ बना लेती हूँ, 3/2 का 3/2 है, इसको मैं डेसिमल में अगर लिखना जाऊं तो क्या होगा, 2 एकम 2, 1 हासिल, ये तो कैरी लगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, 0, 5 पे जाएगा, कितना आ गया 1.5, ठीक है। अब ये 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 और 2 के बीच में आएगा, मैंने बनाई एक नंबर लाइन, ठीक है, सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ -1, -2, -3, कहाँ पर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आप लिख दो 3/2। अब ऑप्शन में ढूंढो, 1 और 2 के बीच में ढूंढना है, तो 1 और 2 तो पहले ढूंढो, यहाँ तो 0 और 1 ही है पहले वाले ऑप्शन में, ये तो हो नहीं सकता, दूसरे वाले ऑप्शन में भी 0 और 1 ही है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 0 से 1 से तो बड़ा ही है ना, तो हमारा तो इधर कहीं होगा,
अब इधर देखो, जीरो एक दो, ये आ गया एक और दो के बीच में निशान, तो ये हो गया तीन बटा दो। डी हो नहीं सकता क्योंकि वो तीन माइनस तीन पे लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या कहना चाह रही हूं मैं? ऑप्शन नंबर सी क्यू करेक्ट है, सबको समझ आया है? जिन बच्चों ने गलत किया था क्लियर हुआ है? तभी मैं कह रही हूँ बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी वो जीरो और एक के बीच में आएगा, ठीक है? अगर वो ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, वो हमेशा एक से बड़ा ही होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं, आगे अब हम देखेंगे आज की क्लास में आगे हम क्या पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहली बात, अगर मैं इंटीजर की बात करूं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना और लिखते जाना। मेरे पास मान लो माइनस फाइव है और थ्री है, अगर मैं पूछूं इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स होंगे तो बताओ जरा कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, जल्दी से बता दो कौन कौन से। माइनस फोर, माइनस माइनस फाइव और थ्री के बीच में आपको पता है कौन कौन से इंटीजर होंगे बेटा? सही बता रहे हो, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, कितने नंबर हुए ये? ये हो गए आपके सेवन, सेवन नंबर, सेवन इंटीजर्स हुए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे, ठीक है? तो इंटीजर्स के मामले में हमने क्या सीखा, क्या सीखा वो मैं बता देती हूँ। देखो अगर मेरे पास कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर, अगर मैं बोलू माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में बताओ कौन से इंटीजर्स होंगे, तो आप बोलोगे मैम कोई भी इंटीजर नहीं आएगा इनके बीच में, जीरो इंटीजर होंगे। तो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में जीरो इंटीजर्स होते हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ ये बात बेटा, अगर मैं ये बात कहना चाहूं कि दो इंटीजर्स के बीच में फाइनाइट इंटीजर होते हैं, मतलब एक लिमिटेड सीमित इंटीजर्स होते हैं, सही बात है? क्योंकि दो इंटीजर्स के बीच में आप गिन सकते हो ना कि कितने इंटीजर्स हैं। तो मैं एक बात तो ये कह सकती हूँ कि कभी भी आपसे कोई पूछे दो इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर्स की बात कर रही हूँ बच्चों ध्यान से सुनना, दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो आप क्या कहोगे? फाइनाइट नंबर होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर लिख दो बेटा, चाहे मैं एक लाख माइनस एक लिख दूं, एक लाख और माइनस एक के बीच में भी आप गिन सकते होगे, एक लिमिटेड है ना? तो ये चीज याद रखना, इंटीजर्स के बीच में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ये तो मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, और चाहे वो इंटीजर्स हो, सभी रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है? तो अगर हमें इंटीजर्स की बात कहूँ, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि रैशनल नंबर के बीच में, मैं आपको बता देती हूँ, बाकी अभी मैं इलेबोरेट आगे करूंगी कि कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में ना इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होते हैं, मतलब अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ बेटा, तो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होते हैं, ठीक है? और मैं अगर आपसे रैशनल नंबर की बात कर रही हूं तो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है, रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ये टू इंटीजर्स और टू रैशनल नंबर की बात कर रही हूं, बिटवीन टू इंटीजर और बिटवीन टू रैशनल नंबर। क्या इतनी बात समझ आई है? ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है साइड में कि कभी दो रैशनल नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं समझाऊंगी। हाँ जी बेटा, लिख रहे हैं मैम। हाँ हाँ, लिख लो, लिख लिख, ठीक है? तो कभी भी इंटीजर्स की बात करें, उसका तो मैंने एग्जांपल दिखा दिया, कोई भी दो इंटीजर लिख लो, उसके बीच में गिनती आप गिन सकते हो। लेकिन रैशनल नंबर के बीच की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो मे बी आपका आंसर मेरे से अलग भी हो सकता है, मेरा आंसर आपसे भी अलग हो सकता है, ठीक है? बट हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक तरीके से करें ताकि सबके आंसर सेम ही आए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास अब रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर निकालते कैसे, अब उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? मान लो बच्चों मेरे पास दो रैशनल नंबर है, टू बाय फाइव
और 7/5, ठीक है, 2/5, 7/5, मुझे इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो देखो, अगर बेटा मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/5 और 7/5 के बीच में आप लिख सकते हो नंबर। क्यों? 2 और 7 के बीच में आपके पास 3/5 आ गया, गिनती आ गई ना, 4/5, 5/5 और 6/5। अच्छा, बीच के नंबर लेते हैं, मैं हमेशा बता दूं, जिन दो नंबर की बात करते हैं उनके बीच वाले नंबर लेते हैं, उन नंबर को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इनके बीच में हमने 4 रैशनल नंबर बता दिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी बात समझ आई है? डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तो तरीका ये हो गया, अब प्रॉब्लम दूसरे में कहां आएगी? मान लो मैं आपके पास बोल रही हूँ 4/7 और 5/7 के बीच में ना आप 5 रैशनल नंबर निकालो। कितने निकालो? 5 रैशनल नंबर निकालो। अब आप फंस गए। क्यों? बोलोगे मैम 4 और 5 तो कंसेक्यूटिव नंबर है और 4 और 5 के बीच में तो नंबर ही नहीं होते। नहीं होते ना, एज एन इंटीजर्स तो होते ही नहीं ना, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, जितने हमें निकालने हैं रैशनल नंबर, ध्यान से सुनना, जितने रैशनल नंबर हमें निकालने होते हैं उससे एक ज्यादा, यानी 5 से एक ज्यादा 6, हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। कितना हो गया? 24/42, और इधर कितना हो गया? 5/7 की गुना 6 × 6 की 30/42, ठीक है। कितना हुआ? 24/42 42 एंड 30/42, ठीक है। अब इनके बीच में आप कौन कौन से नंबर लिख सकते हो? आराम से लिख सकते हो 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42। हो गए 5 रैशनल नंबर। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते ना बेटा तो 4 ही रैशनल नंबर मिलते, इसलिए हम बोलते हैं एक ज्यादा से करो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बता दो मैम। अगर 10 से करे तो? हाँ बेटा, 10 से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10, 11, 5 जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे आगे आप कितने भी नंबर से कर दो उतने ज्यादा रैशनल नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। मतलब उससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि हो सकता है आप आगे वाले 5 बता दो, दूसरा बच्चा पीछे वाले 5 बता दे, कोई बच्चा बीच वाले 5 बता दे, आंसर सबका ठीक है बट अलग अलग आएगा ना। तो हम कोशिश ये करते हैं जितने पूछे उससे एक एक्स्ट्रा करें, क्योंकि वही आंसर आए सबका सेम, है ना। कर किस कर सकते हैं, कितने भी नंबर से कर दो आंसर सबका सेवा, क्योंकि वो उन्हीं दो नंबरों के बीच में ही होंगे। मैम रिपीट कर दो इसको। हाँ बेटा, नोट तो हर चीज करनी है, जितना भी मैं चैट लिखती हूँ ना क्लास में सब नोट किया करो आप लोग। हाँ बेटा रिपीट कर रहे हो, एक सेकंड ना। अभी तक मैं वो बता रही हूँ बच्चों जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी तक मैं बता रही हूँ अगर आपके डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, ओके। हाँ, सो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोबारा से, कि मान लो 4/7 है और 5/7 है। अब मेरे पास देख लिया मैंने डिनोमिनेटर तो मेरे सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 4 और 5, इनके बीच में तो मैं कोई इंटीजर नहीं लिख सकती। और मान लो मुझे 5 रैशनल नंबर पूछा है तो मैं क्या करूंगी बच्चे, जितने रैशनल नंबर पूछे हैं ना उससे एक एक्स्ट्रा 6, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं 4/7 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 24/50, 42। और 5/7 से 6 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 30/42। अब देखो नंबर में डिफरेंस आ गया ना, नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इनके बीच में मैं पूरी गिनती लिख सकती हूँ ना, 25/42, 26/42, है ना, 27/42, 28/42 और 29/42। अब एक बच्चे का क्वेश्चन जो था कि मैम जरूरी है हम 6 से ही करें, 6 से ज्यादा नंबर से भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, जितने ज्यादा नंबर से करते जाओगे इनके बीच में रैशनल नंबर उतने ज्यादा मिलते जाते हैं, ठीक है। यस,
क्या मेरी बात अब समझ आई है? यस मैम। क्या मेरी बात समझ आई है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है अगर मेरे पास इस तरह का नंबर हो। ठीक है, कैसा नंबर हो? नंबर है मेरे पास 2/5 और 3/7। ठीक है, ये नंबर हो, इनके बीच में मान लो मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? देखो यहां पर है बेटा डिनोमिनेटर डिफरेंट, यहां पर है डिनोमिनेटर अलग। ठीक है, जब आपके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाओगे आप? जितना है 2/5 है ना जो नंबर है, उसको दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2/5 को ना दूसरे वाले के साथ से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 14/35 सेम ऐसे ही मैं इसके साथ करूंगी, 3/7 को दूसरे वाले यानी कि पहले वाले का क्या है 5 है ना डिनोमिनेटर में, 5 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगी, कितना आ गया 15/35। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो नंबर मिल गए, 14/35 और 15/35। अब मैं क्या इन दोनों के बीच में नंबर लिख सकती हूँ? नहीं, डिनोमिनेटर तो मैंने सेम बना दिए, लेकिन ये बाय चांस हो गया कि ऊपर वाले नंबर भी कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। अब फिर वही पहले वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, वो तो सबको पता है, जितने पूछे हैं उससे एक ज्यादा को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा और फिर उनके बीच में नंबर लिख दो। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर 2 बार अप्लाई हो गया, वैसे हम 1 बार करते तो ही हमारा आंसर आ जाता, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर आ गए इसलिए मुझे दोबारा से पहले वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ा कि ऊपर वाले नंबर अगर कंसेक्यूटिव हो तो हम जितने रैशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 14 को 16 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 × 24 और 6 × 6 = 2 = 8, 84 आ गया यहाँ पर, बटे में 7 × 6 = 30 और 3 × 6 = 18 = 19 + 20 = 21, 210, 84/210 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 90/210। अब इनके बीच में तो आप लोग लिख सकते हो ना गिनती, इनके बीच में तो आप लोग लिख सकते हो आराम से 84/210 और 90/210। अब इनके बीच में लिख लो 85/210, सुभाष की आईडी से जो बच्चा है बेटा वेरी गुड, / 210, 87/210 और 88/210 और 89/210। चलो अभी बताओ मुझे समझ आया है नहीं सबको? मैम ये रिपीट। हाँ बेटा मैं कर देती हूँ, हाँ डिनोमिनेटर, हाँ जी बेटा इसीलिए 2 और 3 कंसेक्यूटिव ना इसलिए हमने किया। ओके ठीक है, ओके क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास है बेटा 5/7 और मेरे पास है 8/3। ठीक है, ये दो नंबर है, इनको लेते हैं। अगर इनके बीच में हमें उसने बोला है आप 5 रैशनल नंबर बताओ, ओके कितने बताने हैं 5, तो मैंने पहले देखा डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं? पहले वाले का 5/7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से 3 से, कितना हुआ 15/21। ठीक है, दूसरे वाले में कितना है 8/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, कितना आ गया 56/21। दोनों नंबर मिल गए ना, अब देखो इन दोनों नंबर के बीच में मैं लिख सकती हूँ ना 15/21 और 56/21 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। देखो 16/21, 17/21 और कहां तक आ जाएंगे 55/21 तक, मैंने बीच के नंबर लिखे नहीं है बच्चों,
तो आपको पांच ही बताने हैं, कोई भी पांच उठा के आप बता सकते हो, चाहे पहले के पांच चाहे बाद के पांच। अब समझ आया है? फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी पहले, और कॉपियां दिखा दीजिएगा। पूछू क्या? यस मैम। मैम ये उतार सकते हैं? बेटा सब उतारना है, जितना भी मैं क्लास में लिखवा रही हूँ आपको सब नोट डाउन करना होता है। बस मैम ये नहीं किया, ये कर लें क्या? हाँ बेटा करो, बिल्कुल करो मैम। ठीक है, नोटबुक्स में क्या अभी दिखाएं? मुझे सभी बच्चे कॉपी में करके दिखाओ। हाँ हाँ बेटा क्या दिखाएं मैम? क्या कह गए समझ नहीं आया। माइनस पांच बटे तीन और माइनस आठ बटे सात, ये दो नंबर हैं, इनके बीच में पांच रैशनल नंबर आपको बताने हैं। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन को और कॉपियां दिखा देना करने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपको चैट में लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए कॉपी नोटबुक्स दिखा दे। माइनस पांच बटे तीन है और माइनस सात बटे आठ है, इनके बीच में पांच रैशनल नंबर बताने। सुभाष की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी दिखाओ जरा। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बच्चे। विमला अग्रवाल के आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तन्नू भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बाकी बच्चे, उमेश यादव की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है चलो देख भी लेते हैं एक बार, है ना। तो नंबर था हमारे पास माइनस फाइव अपॉन थ्री और माइनस एट अपॉन सेवन। ठीक है, इनके बीच में आपको निकालने हैं फाइव रैशनल नंबर। तो मैंने देखा पहले कि डिनोमिनेटर सेम है। उमेश की आईडी से वेरी गुड बेटा। और बेटा मैं आपका नाम नहीं बोलूंगी अगली, जब तक आप अपना नाम चेंज नहीं करोगे। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी। उमेश की आईडी से वेरी गुड। यस, गोलू की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड। यस बेटा नाम चेंज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्लीज नाम चेंज होना चाहिए आपका। चलो रैशनल नंबर बताने हैं फाइव। सो मैंने देखा डिनोमिनेटर चेंज नहीं है सेम, तो मैंने क्या किया, फाइव अपॉन थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर कितना है, सेवन है ना, तो मैंने ऊपर नीचे सेवन से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा ये 35 अपॉन 21। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस 8 अपॉन 7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दूसरे के एक दूसरे के डिनोमिनेटर से करते ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस 24 अपॉन 21। ठीक है, सो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं ले लेती हूँ यहाँ पर माइनस 35 अपॉन 21 और इधर ले लेती हूँ माइनस 24 अपॉन 21। अब मैं इनके ना नंबर देख लेती हूँ। ठीक है, तो देखो माइनस 34 अपॉन 21, माइनस 33 अपॉन 21, माइनस 32 अपॉन 21, माइनस 31 अपॉन 21, 21 आ रही। ठीक है, और माइनस 30 अपॉन 21, माइनस 29 अपॉन 21, माइनस 28 अपॉन 21। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैम 35 तो 24 से बड़ा है, कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना बच्चों कि मैम आप रिवर्स में क्यों जा रहे हो, नेगेटिव है इसलिए मैं उल्टा जा रही हूँ, बड़ा नंबर लिख रही हूँ, कहीं गलती कर दो। समझ आया ना, माइनस 26 अपॉन 21
और नेक्स्ट है माइनस 5 25/21। ठीक है, तो ये नंबर आएंगे, आप इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई है या किसी को डाउट है? सेम होता है तो सिंपल होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो बस हम क्या करते हैं ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर में इतना गैप है कि सारे नंबर आ सकते हैं, नहीं आते हैं तो जितने रैशनल नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ जरा, मैं दिखा भी देती हूँ इसके क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, किसी को इसमें डाउट है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी से, यस और नो में आंसर कर दो, फिर मैं एक आगे और लेती हूँ क्वेश्चन। नहीं है, चलो। अब मान लो मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास दो नंबर है, रैशनल नंबर 2 और -1, रैशनल नंबर की बात कर रही हूँ। तो इसके बीच में ना आपको मान लो 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं बच्चों? 3 रैशनल नंबर। ठीक है, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं मान लो। तो अब आप बोलोगे मैम ये तो इंटीजर्स है, इंटीजर है इनके बीच में तो इंटीजर हम लिख देंगे, इनके बीच में इंटीजर। मैंने बोला नहीं, उसने बोला रैशनल नंबर। तो आप बोलोगे मैम हम इसके नीचे ना 1 लगा देते हैं, रैशनल नंबर बन गया। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कितना बोला है देख लो, अब 1 लगाते ही आपको पता डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लिख दो। 4 आ गया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया -8/4, और इधर कितना हुआ -4/4, है ना? तो -8/4 और -4/4 इसके बीच में आप लिख दो, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4 तो था ही, 3 पूछे थे, 3 रैशनल नंबर हो गए। समझ आया? अगर आपको ऐसे नंबर दिया हुआ है तो बस आपके नीचे 1 लगा दो और जितने नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम होता है तो सबको कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ समझ आया या नहीं? किसी को डाउट है क्या? ओके ओके, गुड बच्चे, गुड। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख देंगे और हमारे पास ये 4 नंबर आ जाएंगे। यस, ठीक है, चलो फिर सबको समझ आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चन है, हाँ बेटा, नोट नहीं कर पाए, नोट नहीं कर पाए, लो करो, विली फिर आगे बुला। ठीक है, आपके पास बेटा कोई भी, उसने अगर बोला ना रैशनल नंबर और नंबर दे दिया तो बस आप फॉर्म में नीचे 1 लगा दो तो वो रैशनल नंबर बन गया। आप उसके जितने रैशनल नंबर पूछे हैं उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब आप उसको सेम बनाने के लिए एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़े। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, पोल में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन जो है, आंसर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, आपके को क्या करना है। हाँ बेटा, मैं ना आपको और टाइम दे दूंगी। ठीक है, 0 और 1 और 0 इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है, और कॉपियां नहीं दिखानी है इसमें। ठीक है, क्योंकि पोल में आंसर करना है। ठीक है, निकालो, ऑप्शन देखो कौन सा है और पोल में जाके कर दो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कर लेना। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने। ठीक है, वेरी गुड, मैम कर दिया। Mm.
मैम हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से। उन दो नंबर के बीच के नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर 5 बताने होते हैं। मैम हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जिनका हो गया वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं जल्दी से पहले कॉपी में करिए, फिर पोल में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम मैंने नाम चेंज भी कर दिया मैम। अच्छा अभी आपने किया है क्या? अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा। भागी आपका नाम है क्या ये? यस मैम, नाम है मैम हमारा। क्या भागी? यस मैम। पूरा नाम भागी है? पूरा नाम मैम भागीरथ नाम मैम पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा एंड गुड। क्योंकि बेटा क्लास में अगर मैं कुछ नाम बोल रही हूँ तो सही होना चाहिए, ठीक है? गुड, वेरी गुड। ओके मैम। गुड गुड, चलो बाकी बच्चे भी कीजिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, है ना? 5 रैशनल नंबर। वेरी गुड। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर, ठीक है? बाहर आ जाओ तुम। तरुण की आईडी से बेटा, तरुण की आईडी से बेटा, आपका कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, माइक बंद करो, थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग, माइक ऑन होता है। जल्दी से करो बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए। सभी का आंसर चाहिए मुझे। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर। चलो मैम लेफ्ट हो गए थे, ज्वाइंट करें दोबारा। -1 और 0 के बीच में बेटा 5 रैशनल नंबर लिखने हैं आपको। ओके मैम। अभी भी बेटा 7 से 8 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करो बच्चों, आंसर मुझे सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, है ना? चलो -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर, जल्दी जल्दी करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आंसर ऐसे नहीं चलेगा, आंसर तो मुझे सबका चाहिए, सही गलत वो बाद में देखेंगे। अभी सबने यस कहा था ना, सबको समझ आ गया, तो सब आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1, ठीक है? पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, -1 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है? अब मुझे बताएं -1 और 0 के बीच में अगर मुझे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं तो मैं क्या करूंगी, 1 एक इसमें ऐड कर दूंगी, तो कितना हो गया, 6 हो गया मेरे पास है। 1 अपॉन 1, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, -6 अपॉन 6 हो गया। 0 अपॉन 1 है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 0 ही आ गया, है ना? तो मेरे पास नंबर आ गया -6 अपॉन 6 और 0। तो नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से बनेंगे बेटा, -5 अपॉन 6, -4 अपॉन 6, -3 अपॉन 6, -2 अपॉन 6, -1 अपॉन 6। 5 रैशनल नंबर ये हो गए। चलो ऑप्शंस में ढूंढ लेते हैं, -5 से लेकर ऑप्शन नंबर ए में ही है जो -5 से है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? और मेरे काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है? तो ऑप्शन ए नंबर आपका करेक्ट है। यस मुझे मैं आगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो
अभी हमने देख लिया किस किसी दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, और ये याद रखना कभी भी कि कोई पूछे किसी भी रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, अनगिनत। और अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर में बेटा फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड नंबर होते हैं, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। आज आगे हम आगे का टॉपिक क्या पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, होलू की आईडी से वेरी गुड। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है, नया टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बेटा पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना। मान लो बेटा मेरे पास एक नंबर है 100, मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 × 10, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 10 को दो बार लिखा, तो यानी कि मैंने क्या करा, 10 को एक बार लिख के ऊपर इसके दो लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं बेस और इस 2 को हम क्या बोलेंगे, पावर। ये पावर क्या बताती है बेटा, ये बताती है कि जो नीचे बेस वाला नंबर है उसको उतनी बार रिपीट कर दो और गुना कर दो, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर पावर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम क्यों करते हैं कि किसी बड़े बड़े नंबरों को हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर का मतलब होता है बेस वाले नंबर को उतनी बार गुना करके लिखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं 5 का, 5 पे हमने लगाया पावर, 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। तो आपने जब 5 की प्रेस 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया या वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू आई 125। सो पावर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को जितनी बार पावर लिखी है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, उतनी बार मल्टीप्लाई करना, राइट, ठीक है, यस। चलो मुझे एक नंबर बता दो, मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है। मान लो मैं 8 लिख रही हूँ, मेरे को इसको आप, अगर मैं पावर की फॉर्म में चाहती हूँ तो क्या होगा, पावर की फॉर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सोचो। 2 की पावर 3 2 raised to the power 3, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा, यानी कि 2 को 2 raised to the power 3। अब ये कैसे पता करोगे कि इसकी पावर ऐसे बनी है, तो बेटा आपने इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 को 2 से किया 4 आ गया, फिर 2 से किया 2 आ गया, यहाँ से 2 किया 3, तो यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2 raised to the power 3 मिल गई। तो पावर कैसे बन रही है वो मैंने आपको दिखा दिया, आप फैक्टर्स बना लो, वहां से आप फाइंड कर सकते हो। समझ आया या नहीं, मैम ये रिपीट कर दो बेटा। ये तो मैं अभी दोबारा बताऊंगी, तो मैंने अभी जल्दी उसमें बताया था कि कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ दोबारा से, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ द पावर ऑफ एनी नंबर मीन्स मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इटसेल्फ मेनी टाइम्स, मतलब किसी भी नंबर को उस जितनी पावर लिखा है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे 5 raised to the power 2 का मतलब हुआ 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 25 आ गया। 3 raised to the power 3 का मतलब हुआ 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 27 आ जाएगा। 2 raised to the power 4 का मतलब हुआ 2 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं एक नंबर लिख रही हूँ 25, ठीक है, और मैं चाहती हूँ आप इस 25 को ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर की फॉर्म में आप इसको लिखो, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या से लिखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी, फैक्टर बना लेती हूँ, ठीक है। इधर लिखूंगी, एलसीएम लेते हैं ना, सबसे छोटे नंबर से वही करना है। मैंने 5 पे किया, 5 आ गया, फिर 5 पे किया, 5 आ गया, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 5 raised to the power 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई 25 की। और यहाँ पर 5 क्या है, बेस है, और 2 क्या है बेटा, पावर है। क्या आप समझ आया है बेटा, रंजीत की आईडी से जो बच्चा है,
यस मैम। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। यस, इन्हें हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी को भी पावर की फॉर्म में लिखने का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर मैं बोल रही हूँ 3^5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करके, 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे बता दोगे, ठीक है। वो हमारी वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा भी देती हूँ, ठीक है। मैंने बोला वैल्यू निकालो 3^4 का। अच्छा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि 3 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर दो, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है, ये चीज याद रखना। इसका मतलब क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 × 3। तो मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से, 9 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 9 को 3 से किया 27 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 81, इसको इससे किया 81 आ गया। तो मैंने जब 3^4 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास कितना आया, 81 आया। अब ऐसे ही मैं अगर इसी का उल्टा पूछने लगूं तो कि 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बताओ। 3^4 फॉर्म। तो आप क्या कहोगे, हम फैक्टर बना लेते हैं। मैंने कहा बना लो फैक्टर, 3 से जाएगा कितना आएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 4, यानी कि 3 को आपने 4 बार किया तो 3^4। तो ये 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हुई और ये इसकी वैल्यू हुई। दोनों तरीके एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। क्या मेरी बात समझ आई है या नहीं, सभी को जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो मुझे एक नंबर देती हूँ, उसका मुझे बताओ। मेरे पास है 2^5, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। और मैं एक नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ 343, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ। दोनों करके कॉपी दिखा दीजिएगा। अच्छा बेटा, जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 7^2 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, यानी कि 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32। ऐसे नहीं कर पाते हो तो 2-2 करके मल्टीप्लाई करो, 32 इसका आंसर हो गया। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल 32 जिन जिन बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला 143 का, यानी 343 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप क्या करोगे, फैक्टर्स बना लोगे। मैम ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैंने कहा फैक्टर बनाओ, फिर 7 से देखोगे, 7 से छोटे से जाएगा नहीं, 7 से करोगे 49, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा 1, यानी कि 7 को आपने 3 बार लिखा, यानी कि 7^3 इसका आंसर हो गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में कि पावर क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, है ना। ठीक है, ओके, मतलब सबको समझ आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे, आगे एक्सपोनेंट्स को हम और आगे देखेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं होमवर्क।